नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन पे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया उन 10,000 लोगों को जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। उम्मीद करता हूं जो इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे वो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जरूर प्यार देंगे। साथ ही आज मैं आपके लिए 3 BHK का बहुत शानदार लग्जरी फ्लैट लेकर आ गया हूँ, 110 गज के अंदर, विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग, नियर बाय उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, विद अप टू 90% लोन, वो भी LIC से 6.90 से लेकर 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए, तो ये है जी फ्लैट का मेन एंट्रेंस। आइए फ्लैट में एंटर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया में। रिक्वेस्ट करूंगा पीछे जाकर जरूर दिखाइए क्या स्पेशियस 110 गज के अंदर लिविंग एरिया आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसी के साथ पीछे वॉल पे आप देखेंगे कस्टमाइज वॉलपेपर आपको मिल रहा है, देख सकते हैं कितना शानदार लगा हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चेंज भी करा सकते हैं। वाटरप्रूफ नॉन वुलन पेपर पे वॉलपेपर होता है, आप मार्केट में पता कर सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हमने आपको इस फ्लोर के अंदर लगा कर दी है। लग्जरी फ्लैट होने वाला है 110 गज के अंदर, 3 BHK विद लिफ्ट विद कार पार्किंग। इसी के साथ फॉल सीलिंग की बात करें, आप देख सकते हैं क्या शानदार फॉल सीलिंग आपको कराकर दी हुई है। इसमें मैंने आपको वुडन कलर के अंदर ऊपर फॉल सीलिंग में पेंट कराया हुआ है, साथ ही सीलिंग लाइट्स, स्ट्रोब लाइट्स इसमें लगी हुई है। फैंस और झूमर मैं आपको लगा कर दूंगा, ओरिएंट का फैन और बीच में एक शेड लेयर आपको मैं इसमें इंक्लूड लगा कर दूंगा। साथ ही में आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, आप AC की डक्टिंग आपको इंक्लूड मिल रही है, क्योंकि इसमें विंडो AC का प्रोविजन नहीं है, तो स्प्लिट AC का प्रोविजन हम इसमें आपको करके दे रहे हैं। लॉक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर लॉक देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो कैमरा इसमें यहीं पर इंक्लूड है, तो यहाँ से आप लॉक खोलना चाहे खोल सकते हैं, नहीं खोलना चाहे अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। AC के लिए एक MCB मैं आपको प्रोविजन यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है AC उससे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो लिविंग एरिया में उसके बाद बात करते हैं, सीधा यहाँ पर इस साइड पर देखेंगे एक बार का प्रोविजन हमने आपको दिया है। यहाँ पर आप बार बना सकते हैं या अपना मंदिर बना सकते हैं या कुछ भी XYZ जो आपका मनो इच्छा अनुसार बना सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं LED पैनल की। दोस्तों वुडन एंड ब्लैक कलर के अंदर हमने आपको कलर कॉम्बिनेशन दिया है, सबसे अच्छे यही कलर्स होते हैं इस टाइम, ब्लैक वुडन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। लाइट्स हमने आपको इसमें 1.5 इंच के नीचे लगा कर दिया है। इसी के साथ स्विच बोर्ड का प्रोविजन दिया है, जितने भी घर के स्विचेज हैं सारे के सारे ब्रांडेड होने वाले हैं, बिल्कुल इसकी गारंटी वारंटी के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके ईजिली ले सकते हैं इसको। यहाँ पर आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं, ईजिली यू शेप का सोफा आ जाएगा, डाइनिंग टेबल आ जाएगा, बहुत ही स्पेशियस लिविंग एरिया आपको इंक्लूड मिल रहा है। नीचे ड्रॉर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना LED का रिमोट्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इसी के बाद लिविंग एरिया की बात हो गई, एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर दिखाइएगा स्पेस, मैं ये आपको ज़रूर स्पेस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि 110 गज का ये फ्लैट है तो बहुत स्पेस आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट रूम की ओर, 3 BHK है, इसमें 2 वॉशरूम्स हैं, लिफ्ट गाड़ी पार्किंग तो है ही, फर्स्ट रूम में चलते हैं। आइए, तो ये दोस्तों हमारे फर्स्ट रूम की एंट्रेंस है। सबसे पहले दिखाता हूँ गेट की क्वालिटी, क्योंकि बाहर इस टाइम काम चल रहा है, आवाज़ आ रही थी, मेन गेट की क्वालिटी मैं आपको नहीं दिखा पाया, तो ये गेट की क्वालिटी होने वाली है। सारे रूम्स में यही गेट लगा हुआ है। लॉक आप देख सकते हैं, 3 कीज आपको साथ में मिलेगी, स्टेनलेस स्टील का लॉक मिला हुआ है। जितनी भी क्लैश है सारी जो है 8 इंचज़ की लगी हुई है, सारी स्टेनलेस स्टील की ही क्लैश है। अब एंटर करते हैं, आइए फर्स्ट रूम में एंटर करते ही सबसे पहले वो देखेंगे वही सेम हर रूम्स में जो कस्टमाइज वॉलपेपर आपको मिलता है, चेंज कराना चाहे चेंज भी करा सकते हैं। ये हमारा सैम्पल फ्लैट है तो इसमें हमने आपको लगा कर दिया हुआ है। इसी के साथ वेंटिलेशन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ आप अपना AC भी लगा सकते हैं। साथ ही एक वार्डरोब में आपको इंक्लूड दे रहा हूँ स्लाइडिंग डोर के अंदर, स्लाइडिंग डोर के अंदर है तो इस वजह से काफ़ी स्पेशियस आपको ये वार्डरोब भी मिलने वाला है। इसके अंदर 2 ड्रॉर्स भी लगे हुए हैं। इसी के साथ एक LED पैनल आपको इस रूम में मिलता है, यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही स्पेस आपको मिलने वाला है, ये भी वुडन एंड ब्लैक कलर के अंदर मिलने वाला है। साथ ही फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, सीलिंग लाइट्स आपको येलो वॉम वाइट कलर के अंदर आपको मिल रही है, कोब लाइट्स भी आपको वॉम वाइट कलर के अंदर ही मिल रही है। तो ये दोस्तों बहुत ही स्पेशियस फर्स्ट रूम आपका मिलने वाला है, 6x6 का यहाँ बेड इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही जितनी भी टाइल्स हैं नीचे आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स लगी हुई है। एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर टाइल्स इनको ज़रूर दिखाइएगा। इसी के बाद फर्स्ट रूम की बात हो गई, फर्स्ट रूम के बाद अब चलते हैं अपने किचन की ओर, जो कि लिविंग एरिया से अटैच है, ताकि जब भी खाना सर्व हो डाइनिंग टेबल पे या जो भी गरम गरम खाना वहाँ पे सर्व हो सके। तो ये हमारी किचन है दोस्तों, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा पीछे जाकर ज़रूर दिखाएं व्यूअर्स को किचन का स्पेस।
बहुत ही स्पेशियस आपको किचन मिल रहा है। येलो नहीं है, मस्टर्ड कलर है ये। मस्टर्ड एंड व्हाइट कलर के अंदर हमने आपको कलर कॉम्बिनेशन दिया है। शेल्फ भी देखेंगे तो मस्टर्ड कलर का हुआ है। नीचे वाली जो सलमाइक है मस्टर्ड कलर की है, ऊपर वाली जो सलमाइक है व्हाइट कलर की है। देन इसके बाद बॉर्डर्स जो लगे हैं वो भी मस्टर्ड कलर के अंदर लगे हैं। घर में सारी ही फॉल सीलिंग हुई है, सिर्फ लिविंग एरिया है रूम से फॉल सीलिंग नहीं है। किचन में भी बहुत शानदार फॉल सीलिंग हुई है, बहुत लग्जरी फीलिंग दे रहा है। बॉर्डर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइट्स कट के हमने कट करवा कर लगवाई हुई है 1.5 इंची की। इसी के साथ अब मैं आपको एक बार ड्रॉर्स के अंदर दिखाता हूँ, कबर्ड्स के अंदर दिखाता हूँ। स्पेस बहुत स्पेस आपको मिलने वाला है इसके अंदर, ये देख सकते हैं। साथ ही एक जो चीज़ हमने इसमें ऐड करी है 3 BHK के फ्लैट में, ये आप देख सकते हैं। इधर से आके ज़रूर इनको दिखाइएगा। यहाँ पर जो है आप अपने मसाले वगैरह रख सकते हैं, या कुछ भी क्रॉकरीज हो गई या कुछ भी यूटेंसिल्स हो गए यहाँ आप रख सकते हैं। बहुत ही स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। ड्रॉर्स आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं सारा हाइड्रोलिक वर्क हुआ है ड्रॉर्स के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉर बंद करोगे तो कोई आवाज़ आएगी इसमें या कुछ भी, सारा का सारा इसमें हाइड्रोलिक वर्क ही हुआ है। अगर मैं आपको इसमें इधर से दिखा देता हूँ, ये देखें सारा इसमें हाइड्रोलिक वर्क हुआ है, कोई इसमें आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ जो है आप अपना आरओ लगा सकते हैं इस सेक्शन में। इसी के बाद नीचे हमने टैब्स दी हुई है सिंक के ऊपर, वर्ना कंपनी की ब्रांडेड हमने टैब्स दी हुई है, 3 ईयर्स की वारंटी इसके साथ में रहती है। चिमनी हम आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखिए चिमनी अभी इस टाइम स्टार्ट ही है, आपको ये प्रोवाइड हो रही है। इसका पाइप जो है वो यहाँ से जाकर बाहर सीधा बालकनी की तरफ जाता है। इसी के बाद माइक्रो जो है आप अपना यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड दिया है, यहाँ पर आप अपना माइक्रो लगा सकते हैं। साथ ही फ्रिज का स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि फ्रिज का सेक्शन अलग से नहीं है, यहाँ पर आप अपना फ्रिज का इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइल्स की बात कर लेता हूँ, वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है पूरे में, एंड मस्टर्ड कलर की शेल्फ लगी हुई है। तो दोस्तों ये हो गई किचन की बात, अब चलते हैं अपने सेकंड रूम की ओर, जो कि है मास्टर बेडरूम। और थोड़ा सा हमने उसके वुडन टाइल्स लगाई हुई है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पूरे घर से अलग किया हुआ है क्योंकि वो मास्टर बेडरूम है। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सेकंड रूम की एंट्रेंस है, आइए एंटर करेंगे। सबसे पहले दिखा देता हूँ डोर के अंदर ही, नीचे जो है स्टॉपर्स भी आपको दिए हुए हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था। फर्स्ट डोर में स्टॉपर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारी है फर्स्ट सेकंड रूम की सॉरी एंट्रेंस, जो कि है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की वजह से स्पेस एक बार आप देखिएगा पीछे जाकर, बहुत शानदार स्पेस आपको मिल रहा है। मतलब आप दो बेड भी यहाँ अगर लगा देंगे, एक सिंगल और एक डबल, उसके बाद भी कबर्ड का स्पेस आपको बहुत ईजिली प्रोवाइड हो रहा है। इसी के साथ एक हमने वार्डरोब इसमें दिया है, वो दिखा देता हूँ। ये देखे वार्डरोब, बहुत स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। ऊपर भी जगह है, साइड में भी जगह है, यहाँ पर एक मिरर लगाया हुआ है। वहाँ पर आप मंदिर लिविंग एरिया में बनाना चाहें तो यहाँ पे बाहर बना सकते हैं, आजकल काफ़ी लोग शौकीन होते हैं इस चीज़ के, तो कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं एक्सपेजेट। ये तो चलो मैं बता सकता हूँ आपको कि बाहर बना सकते हैं, आप कुछ भी एक्सपेजेट इस पर कर सकते हैं। एक वॉशरूम कनेक्ट है इसमें, वो दिखा देता हूँ। डोर की बात कर रहा हूँ तो वॉशरूम का भी डोर सेम दूसरे रूम्स की तरह ही होने वाला है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया हुआ। तो वॉशरूम में एंटर करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे डाइवर्टर, वर्ना कंपनी का ही डाइवर्टर लगा हुआ है, गर्म ठंडे पानी का इस टाइम चालू भी है पानी। इसी के साथ शॉवर एक ऊपर दिया हुआ है, ये भी डाइवर्टर से ही आपका इसी से ही चलता है। साथ ही एक वॉल माउंटेड सीट आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, साथ ही आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं गीजर का प्रोविजन भी दे रहा हूँ। टाइल्स अप टू रूफ लगी हुई है वॉशरूम में, पीछे जो टाइल्स है सारी हाइलाइटर लगी हुई है, जो बाकी टाइल्स है प्लेन लगी हुई है। एक वॉश बेसिन भी मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड दे रहा हूँ। अभी बाहर निकलेंगे तो मैं आपको वैनिटी भी दिखाऊंगा, वैनिटी भी इसमें लगी हुई है लिविंग एरिया वाले जो वॉशरूम में है। उसके बाद वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दे रखा है, सीधा ये विंडो जो है बाहर बालकनी की ओर निकलता है। एग्जॉस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सीलिंग लाइट्स ऊपर लगा कर दिए। तो वॉशरूम की तो ये हो गई। रूम में अब आपको मैं बता देता हूँ, एलईडी पैनल आपको एक इंक्लूड मिल रहा है यहाँ पर, बहुत शानदार। 3 बॉक्सेस लगाए हुए हैं, शो पीसेस यहाँ आप अपना रख सकते हैं, एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं, स्विच यहाँ पर एलईडी का लगाकर इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। बेड मैं आपको बता देता हूँ, 6x6 का इजीली बेड लग जाएगा। साइड में 2 टेबल्स या चेयर्स आजकल जो बेड्स के साथ आ रही है वो भी लग सकती है। एक वार्डरोब आपको इंक्लूड मिलता ही है। फ्लोरिंग की बात कर लेता हूँ, वुडन टच के अंदर फ्लोरिंग दी हुई है, साथ ही वुडन टच के अंदर वार्डरोब भी लगा हुआ है, और वुडन टच के अंदर एलईडी पैनल प्लस गेट भी वॉशरूम का वुडन टच के अंदर लगा हुआ है। तो हर चीज़ को मैच करके कलर कॉम्बिनेशन बनाकर आपके लिए काम किया गया है। इसी के साथ फॉल सीलिंग एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत ही डिसेंट और अच्छी फॉल सीलिंग। जितने भी अभी तक मैं फ्लैट्स लेकर आया हूँ उसमें सब में ही जितना भी है फूल पत्तियों वाला या फ्लावर्स वाला या तेज लाइट्स वाला काम होता है,
ये एक फ्लैट ऐसा है कि इसमें बिल्कुल डिसेंट काम कराया गया है, बिल्कुल ही सनमाइका भी जो होती है वो चमक वाली नहीं है, या वॉलपेपर्स भी जो होते हैं वो चमक वाले नहीं है, ज़्यादा डिसेंट वॉलपेपर्स हैं। तो इस रूम में भी जो वॉलपेपर देखेंगे बहुत शानदार लगा हुआ है, चेंज कराना चाहे चेंज भी करा सकते हैं, कस्टमाइज वॉलपेपर होता है, अपने कोई फोटो वगैरह भी बनाना चाहे बेटे की बेटी की वो भी आप बना सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको प्रोवाइड हो रही है, सबसे पहले ये फर्स्ट विंडो ये खोलेंगे, इसके बाद एक ग्रिल, इसके बाद ये सेकंड विंडो। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से लेकर, क्योंकि ये बालकनी की ओर है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे मच्छर वगैरह आ जाते हैं उसके लिए जाली भी इसके बीच में लगाई हुई है। एसी के लिए यहाँ पर आप विंडो एसी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अब हमारे सेकंड रूम की है बात, जो कि है मास्टर बेडरूम। इसके बाद चलते हैं अपने वॉशरूम की ओर, जो कि है कनेक्टेड लिविंग एरिया से, इस घर में दो वॉशरूम है। उसके बाद चलेंगे थर्ड रूम की ओर, आइए वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये हम खड़े अपने सेकंड वॉशरूम में, जो कि लिविंग एरिया से कनेक्ट है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं डाइवर्टर आपको दिया हुआ है, गर्म ठंडे पानी का मिक्सर इसी में इंक्लूड होता है, वरना कंपनी का ब्रांडेड डाइवर्टर लगा कर दिया हुआ है। एक शॉवर आपको इंक्लूड दिया हुआ है, इसी के साथ एग्जॉस्ट यहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों वेंटिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही जो टाइल्स का हाइलाइटर हमने लेफ्ट वाली वॉल पर दिया हुआ है और वॉल माउंटेड सीट पर दिया हुआ है, आप प्लीज़ यहाँ पर एक बार नज़र लगवाएं। टाइल्स का जो हाइलाइटर है हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है, वॉल माउंटेड सीट यहाँ लगी हुई है। इसके साथ जितनी भी टाइल्स हैं बाकी प्लेन हमने इसके अंदर करके दिया। और एक बार ज़रूर थोड़ा सा पीछे होकर दिखाइए कि स्पेस आपको वॉशरूम में देंगे, यार वॉशरूम छोटा होता है। तो ये वॉशरूम आप देखेंगे बहुत ही स्पेशियस होने वाला है। एक बार टाइल्स नीचे वाली देखेंगे, ब्लैक कलर के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत ही शानदार। एक वॉश बेसिन भी मैं आपको इंक्लूड दे रहा हूँ, वॉल माउंटेड सीट तो यहाँ पर दे ही रहा हूँ, वॉश बेसिन यहाँ पर भी इंक्लूड दे रहा हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा और हम वॉशरूम से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन प्लस अब वैनिटी आपको इंक्लूड दे रहा हूँ। नीचे आप टूथब्रश वगैरह टॉवल्स वगैरह कुछ भी इसी वैनिटी में रख सकते हैं। मिरर भी यहाँ पर लगा कर इंक्लूड दे रहा हूँ, इसके पीछे जो है टाइल्स भी लगी हुई हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कराया गया है 3BHK के घर में, आप ज़रूर एक बार आकर ज़रूर विजिट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत शानदार इसी तरह की वीडियोज़ बहुत आने वाली है आपके लिए। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको थर्ड रूम की ओर, दो रूम्स में आपको दिखा चुका हूँ, थर्ड रूम में चलते हैं आइए। तो थर्ड रूम में एंटर करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे जो हमारी पहचान है, कस्टमाइज वॉलपेपर। कोई रोल रोल वाला 800-900 रुपये वाला रोल हम नहीं लगाते, सारा कस्टमाइज वॉलपेपर लगा कर देंगे, चेंज कराना चाहे चेंज भी करा सकते हैं। दो वार्डरोब मैं आपको इंक्लूड दे रहा हूँ, एक वार्डरोब जो है आपकी सेकंड रूम में थी मास्टर बेडरूम में, एक मैं आपको इसमें भी इंक्लूड दे रहा हूँ, बहुत शानदार वार्डरोब आपको इसमें इंक्लूड मिलती है। इसी के साथ वार्डरोब में जो सनमाइका है वही वुडन और ब्लैक कलर के अंदर लगा हुआ है। साथ ही ऊपर आप देखेंगे फॉल सीलिंग बहुत शानदार हुई है, सीलिंग लाइट्स लगी हुई है, फ़ैन मैं आपको इंक्लूड दूंगा, साथ में कोब लाइट्स इसमें येलो कलर के अंदर लगी हुई है। LED पैनल भी मैं आपको इंक्लूड दे रहा हूँ, तो तीन LED पैनल इस पूरे घर में आपको मिलते हैं। एक रूम में बस इसमें LED पैनल नहीं है, लिविंग एरिया में भी है और दो रूम्स में भी है। नीचे ड्रॉर्स में आपको LED पैनल में दे रहा हूँ, यहाँ पर आप अपना कुछ भी रिमोट वगैरह सामान रख सकते हैं। AC के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपना विंडो AC आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी MCB भी मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्विच बोर्ड वगैरह ये सब देने। बेड के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर एक स्विच बोर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर 6x6 का बेड लगा सकते हैं। तो बहुत शानदार आपके लिए ये फ्लैट होने वाला है, मेट्रो स्टेशन से बहुत पास है। अब चलते हैं अपनी बालकनी की ओर, उससे पहले दिखा देता हूँ विंडो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, ये वही मच्छरों के जाल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बीच में फिर एक जाल लगा हुआ है ये देखें सिक्योरिटी पर्पज़ से, इसके बाद भी एक विंडो, तो हर चीज़ सोच समझ के इस फ्लैट में तैयार करके आपको दी जाएगी। अब चलते हैं अपनी बालकनी की ओर, आइए। तो ये खड़े हम अपनी बालकनी की ओर, एक बार आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है आपको मशीन का स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। साथ ही पीछे जाकर आप दिखाइए एक बार कस्टमर्स को कि कितनी शानदार आपको स्पेस इसमें आपको बालकनी में प्रोवाइड हो रहा है। बहुत ही इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही शानदार हुआ है, वो भी आपको ज़रूर इसमें दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग में। इसी के देखेंगे स्टेनलेस स्टील की ग्रिल में आपको इसमें इंक्लूड दे रहा हूँ, नीचे यहाँ तक जो है मैं आपको पत्थर लगा कर दे रहा हूँ इसके अंदर ही। साथ ही मैं एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप घूम के दिखाइएगा गली से होते हुए, बालकनी की दूसरी साइड भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसी के साथ ऊपर देख सकते हैं दो लाइट्स भी मैं आपको बालकनी में इंक्लूड दे रहा हूँ। तो ये हमारा 3BHK का बहुत शानदार फ्लैट मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा 3BHK का 110 गज के अंदर विद लिफ्ट विद कार पार्किंग फ्लैट? अगर फ्लैट पसंद आया हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, हम आपकी विजिट बुक करा देंगे। एक बार इस फ्लैट को देखने, इसकी ब्यूटी देखने जरूर आइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।